हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लास, क्लास 7, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 2। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 6, 2nd and 3rd। सेकंड और थर्ड डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले आप फॉर्मूला राइट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल put the values, length is 5.7 centimeter, multiply breadth is 3 centimeter. अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 मल्टीप्लाई 3, साइड में करते हैं हम रफ में 5.7 मल्टीप्लाई 3। डेसिमल का मल्टीप्लाई आपको सिखाया था पहले भी, डेसिमल हटाइए सबसे पहले। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो आपको फोन में 10 लगाना है। 57 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए आप पहले, 7 3 21, 2 8, 5 3 15, 15 प्लस 2 17, अपॉन में 10, 171 अपॉन 10। अब देखिए अपॉन में कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो लास्ट से 1 डिजिट बाद आपको पॉइंट लगाना है, इट मीन 17.1। तो हमारे पास आंसर आया 17.1 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो यूनिट भी हमारे पास आ जाएगी फॉर्मूले के साथ 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तीनों डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट, 1.3 मल्टीप्लाई 10। जैसे कि अभी बताया था हमने आपको डेसिमल का मल्टीप्लाई इजी होता है, डेसिमल सबसे पहले डेसिमल हटाना होता है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, तो अपॉन में क्या लगाना है आपको, 10। सपोज डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते तो अपॉन में क्या लगता है, 100, 3 होते तो 1000, तो उतनी जीरो लगा के हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए डेसिमल हटाया 10 लग गया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आंसर हो गया। सेकेंड 36.8 मल्टीप्लाई 10। इसमें भी हमें सबसे पहले डेसिमल हटाने, डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 1 डिजिट, अपॉन में लग गया 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स 1 टाइम। 368 मल्टीप्लाई 1, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 368। थर्ड पार्ट 31.1 मल्टीप्लाई 100। इसको भी डेसिमल अटैक में सोल्व कर लें, डेसिमल अटैक, डेसिमल की बात 1 डिजिट है, अपॉन में क्या लगा दिया 10, 10 से 10 कैंसिल हो गई, 311 को 10 से मल्टीप्लाई की, तो ये आएगा हमारे पास 31110 आगे, क्योंकि 10 से 0 वाले जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई इजी होता है, उतने टाइम्स हम 0 लगा देते हैं अदर, ठीक है, डिवाइड करना भी इजी होता है और मल्टीप्लाई करना भी इजी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, 55.3 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। इजी क्वेश्चन है, तो आपको पता है 10 लीटर में कितना कवर करेगा, तो सीधा सीधा है आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए टू व्हीलर कवर्स, जो लैंग्वेज है आपको क्वेश्चन में से देखकर राइट करनी है। ए टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितना कवर कर रहा है, इन 1 लीटर 55.3 किलोमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, एक 1 लीटर में तो 55.3 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो हमें 10 लीटर का फाइंड करना है।
तो इट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना है, देन इट कवर्स इन 10 लीटर पेट्रोल, 55.3 × 10 किलो। अब देखिए डेसिमल का मल्टीप्लाई हमने अभी सीखा था, डेसिमल हटाइए सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो अपॉन में हमें क्या लगाना है 10, 10 से 10 कैंसिल, इट मीन्स 553 किलोमीटर। 1 लीटर में अगर 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 10 लीटर में कितनी कवर करेगा, 553 किलोमीटर, दैट इज आंसर।